हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। इफ ए स्क्वायर 1 प्लस ए क्यूब, बी बी स्क्वायर 1 प्लस बी क्यूब, सी सी स्क्वायर 1 प्लस सी क्यूब का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0 एंड द वेक्टर ए वेक्टर इज इक्वल टू 1 ए ए स्क्वायर, बी वेक्टर 1, बी, बी स्क्वायर, सी वेक्टर 1, सी स्क्वायर आर नॉन को प्लानर, देन प्रोडक्ट ए बी सी इज इक्वल टू। सो हमें ए बी सी का प्रोडक्ट बताना है कि क्या होगा। तो देखो, अभी यहाँ पे हम की कंसेप्ट क्या यूज़ करेंगे। एक तो हम बेसिक सिंप्लीफिकेशन का यूज़ करने वाले हैं, और यहाँ पे इसने क्या बोला हुआ है, ये वेक्टर हैं आर नॉन को प्लानर। अगर नॉन को प्लानर हैं तो बॉक्स ऑफ ए बी सी वेक्टर दिस इज़ नॉट इक्वल टू 0 होगा। अगर को प्लानर होते तो इनका बॉक्स 0 के इक्वल होता। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके इस इक्वेशन को हम सॉल्व करने वाले हैं। यहाँ पे क्या दे रखा है, ए स्क्वायर 1 प्लस ए क्यूब, बी बी स्क्वायर 1 प्लस बी क्यूब, सी सी स्क्वायर 1 प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 0 दे रखा है। अब देखो, डिटरमिनेंट की एक प्रॉपर्टी होती है, अगर किसी में सम दे रखा है तो हम इसको कैसे एक्सपेंड करके लिख सकते हैं। यहाँ पे ये हो जाएगा ए बी सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 1 1 प्लस ए बी सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आएगा, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब। अब ये हो गया। अब देखो, यहाँ से हम इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास आया हुआ है ए बी सी, ये वाला सेम आएगा यहाँ पे, इसमें ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर, यहाँ पे आएगा 1 1 1 प्लस। अब यहाँ से देखो, हम इसमें से ए कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से बी और यहाँ से सी, तो यहाँ से हमारा ओवरऑल क्या कॉमन आ जाएगा, ए बी सी, तो यहाँ पे आएगा 1 1 1 ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब ये है, अब देखो अगर हम इसको सेम करेंगे तो हमें पता है डिटरमिनेंट की एक प्रॉपर्टी होती है, अगर हम इवन नंबर ऑफ चेंजेस करते हैं तो नेगेटिव साइन आता है, अगर सॉरी इवन नंबर ऑफ चेंजेस करते हैं तो पॉजिटिव साइन रहेगा, अगर ऑड नंबर ऑफ चेंजेस करेंगे तो नेगेटिव साइन आएगा। तो यहाँ पे देखो, हम क्या करेंगे, हमको 1 को यहाँ पे लेके जाना है, यहाँ पे ये C3 C2 C1 है, C3 को C1 लाना है और C1 को C2 और C2 को C3, तो यहाँ पे हम इवन नंबर ऑफ चेंजेस करेंगे तो क्या बन जाएगा हमारा, 1 1 1 ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए बी सी 1 1 1 ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से ये कॉमन आ जाएगा, देखो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 प्लस ए बी सी ये बचा, और यहाँ पे क्या बचेगा, 1 1 1 ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब देखो हमें क्या बोला गया है, यहाँ पे यही यही वाला बन रहा है ए बी सी, ये तीनों नॉन को प्लानर है, तो यहाँ से ये वाला पार्ट तो नॉट इक्वल टू 0 होने वाला है हमेशा, तो यहाँ से इसको 0 के इक्वल करने के लिए हमारा जो ए बी सी है इसको -1 होना पड़ेगा, तभी यहाँ पे 0 बन पाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हमें क्वेश्चन में ए बी सी की वैल्यू पूछी गई है, तो ए बी सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक।